हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरएस बायोलॉजी। आपका आरएस बायोलॉजी पे हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक पैरापोडिया ऑफ नेरिस। नेरिस के पैरापोडिया के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो नेरिस का पैरापोडिया है, ये नेरिस का पैरापोडिया है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रतीत हो रहा है। लीफ लाइक जैसे कि ये है ना, लीफ लाइक, ये लीफ लाइक, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रतीत हो रहा है ना। देखिए ये दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना। ये जो पैरापोडिया होता है नेरिस का ना, ये नेरिस बिलोंग विद फाइलम एनिलिडा एंड क्लास पॉलिकीटा से बिलोंग करता है। और हम लोग बात करेंगे पैरापोडिया के, नेरिस के पैरापोडिया के ऊपर। ये नेरिस का पैरापोडिया दो पार्ट में बटा होता है, एक डार्सल सर्फेस और एक वेंट्रल सर्फेस। वेंट्रल सर्फेस में बटा होता है। डार्सल सर्फेस को हम नोटोपोडियम कह सकते हैं, डार्सल सर्फेस को नोटोपोडियम कह सकते हैं और वेंट्रल सर्फेस को नीरोपोडियम। या फिर यह कह सकते हैं कि ये जो डार्सल सर्फेस होता है ना, ये नोटोपोडियम को सपोर्ट करता है और जो वेंट्रल सर्फेस होता है ये नीरोपोडियम को सपोर्ट करता है, नीरोपोडियम को सपोर्ट करता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है नोटोपोडियम साइड में, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एसी कुलम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसी कुलम कहते हैं। एसी कुलम का फंक्शन क्या होता है कि ये जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब संकुचन उत्पन्न होता है तो ये मसल्स जो होते हैं ना, ये एसी कुलम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि सीटी क्या कहते हैं ना, सीटी जो होता है पैरापोडिया जब लास्ट स्टेज में आता है, जैसे कि टेल साइड वाले में, टेल साइड पार्ट में जो पैरापोडिया को हम सीटी का काट देते हैं, लास्ट स्टेज में हम टेल साइड में पैरापोडिया को सीटी कह सकते हैं। अब हम बात हो गया, मस्कल कॉन्ट्रैक्शन से एसी कुलम एक्टिवेट होता है, जिससे कि सीटी को एराइड करने का काम करता है। अब जो होता है नोटोपोडियम जो होता है ना, ये कीटी देख रहे हैं ना, कीटी, ये कीटी होता है नोटोपोडियम, नोटोपोडो कीटी को सपोर्ट करता है और न्यूरोपोडियम जो होता है नोटो न्यूरोपोडो कीटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये है हमारा पैरापोडिया ऑफ नेरिस। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ये परीक्षा कई बार पूछा गया, या पाँच नंबर में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है एमजी के बीपी में, ये 5 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है पैरापोडिया का नेरिस। ये वीडियो आपको अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।